बीएसपी सांसद दानिश अली का बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी की ओर से घोर अपमान। मायावती ने कुछ इस तरह से की निंदा, उससे मिलने लगे अलग संकेत। अखिलेश और ओवैसी ने दानिश की ओर से जब संभाला मोर्चा तो होने लगी मायावती के बयान से तुलना। कहने वाले कह रहे, ये तो आपके सांसद हैं, आपको जो कहना था वो तो अखिलेश और ओवैसी बीजेपी को कह रहे। पता नहीं क्या बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी को हो गया, शब्दों की हया को ही भूल गए, जो नहीं कहना था वो कह दिया। ए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। आतंकवादी है उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। भिदुड़ी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहे ना जी, बाहर देखो इन मुल्ले को। इफ एनीथिंग रॉन्ग, अभी रोड पढ़ रहे थे सर, इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 तो अब सियासी बवाल है, जिन पर संसद से अभद्र टिप्पणी की उनकी बस यही मांग है कि सदस्यता छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। कोई टाइमलाइन है कितने दिन का वक्त दे रहे हैं आप? नहीं, मैं ऐसे मतलब अगर मेरे राइट्स वहां प्रोटेक्ट नहीं होंगे, जो आजादी मिली हमें, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके साथियों ने जो संविधान लिखा, अगर उसके तहत चुन के जाने वाले प्रतिनिधियों के साथ सत्ता पक्ष ये करेगा, सत्ता पक्ष का सांसद ये करेगा, तो मेरे पास उस सदन को छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं क्या क्या छोड़ूं। बस यही मांग है, कार्रवाई हो, अगर नहीं हुई तो ऑप्शन एक ही है, इस्तीफा दे देंगे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर ऐसा सवाल मन में उठा, ऐसा किया तो क्यों किया बीएसपी प्रमुख मायावती ने? बीएसपी प्रमुख मायावती किसके साथ हैं, किसके खिलाफ हैं? दानिश के लिए लड़ रही हैं या फिर कुछ और ही संदेश देना चाहती हैं, या फिर 2019 में मायावती क्या दानिश की राजनीति को बाय बाय करने वाली हैं? क्योंकि मायावती ने ऐसा संकेत ही इस मसले पर दिया। ऐसा इसलिए कहने के लिए मजबूर हुए क्योंकि अखिलेश और ओवैसी ने दानिश अली वाले मसले पर जो बीजेपी को घेरा, जब मायावती की ओर से दिए गए बयान से मिलान किया गया, पहले ने क्या कहा वो जान लीजिए। अखिलेश कह रहे हैं, इंसान की पहचान चेहरा नहीं जुबान होती है। सत्ता के नशे में बेसुध भाजपा के एक सांसद की ओर से विपक्ष के एक अल्पसंख्यक सांसद को अति अभद्र तरीके से संबोधित करना किसी आपराधिक घटना से कम नहीं। ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति का निकृष्टतम रूप है, जिसमें अन्य भाजपाई सांसदों का हंसते हुए सम्मिलित होना दिखाता है। ये किसी एक भाजपाई की गलती नहीं, बल्कि भाजपा के अधिकांश सदस्यों की निर्लज्जता का बेशर्म प्रदर्शन है। ऐसे सांसदों पर किसी भी प्रकार के संसदीय विशेषाधिकारों की छूट से परे किसी एक सांसद नहीं बल्कि पूरे संसद और संविधान की मानहानि करने का मुकदमा होना चाहिए, और ताउम्र की पाबंदी भी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी तो अखिलेश से भी दो कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी के वीडियो को देखकर निशाने पर ले रहे हैं। ओवैसी कहते हैं, वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं, भाजपा एक अतः खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सुलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। मेरा सुझाव है कि पीएम मोदी जल्द ही इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को भेजें। ओवैसी की ओर से बीजेपी पर यह जबरदस्त प्रहार है। अखिलेश ने भी इस मामले पर बीजेपी को नहीं बख्शा, लेकिन जिस पार्टी बीएसपी से दानिश अली सांसद हैं, उस पार्टी की मुखिया मायावती ने जिन शब्दों का इस्तेमाल इस प्रकरण के लिए बीजेपी के खिलाफ किया, उसे देखकर ऐसा लगता है क्या मायावती बीजेपी के प्रति सॉफ्ट रुख अख्तियार कर रही है। मायावती ने कहा, दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दे दी और वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी भी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जबकि अखिलेश और ओवैसी के बयान की मायावती के बयान से तुलना करेंगे तो क्या कहेंगे? मायावती की ओर से जारी इस बयान को किस तरह से लेंगे? अपनी राय जरूर दें, पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।